Hi, I'm back on Shivani's channel. Most of you must be knowing me. It's me, Brinda here. Shivani meri nand hai. Main uski bhabhi hu. So, aaj 20 tarikh hai aur 20 tarikh ko hum ghumne nikle hai Lombard Street. And she's, I think, busy with the baby. So, let's catch with something new. So, right now we have come to a Lombard Street and what a view we have. It's very beautiful. So ये guys बहुत ही ज्यादा beautiful street है. ये पूरी street ऐसे zigzag करके है. आप drive through भी कर सकते हैं and आप walking भी कर सकते हैं. यहाँ पे stairs भी दी हुई है. So it's gonna be a really fun. And हम लोग थोड़े से you know photos खिंचाते हैं और फिर मैं आपको ये पूरी street drive through करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है. So yay! आपको कैसी लग रही है अभी तो? बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट है. क्रिएटिविटी तो छोड़ दो, एक्साइटमेंट ज्यादा है क्योंकि ये जो स्ट्रीट है वो हम पहली बार देख रहे हैं. ऐसे जिगजैग वाली है, यहाँ से गाड़ी निकलती है वापस जाती है. और ये पूरा व्यू आप देख सकते हो, लाइन कितनी सुंदर है. और ये पूरा व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है और यहाँ से पूरा ऐसा दिखता है. तो दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड अगर आप यहाँ पे रहते हो और अभी तक लॉम्बर स्ट्रीट नहीं देखा है तो आई हाईली रेकमेंड कि आप यहाँ पे आओ, वॉक भी करो एंड अर्ली मॉर्निंग आके ड्राइव थ्रू भी करो ताकि आपको लाइन में यहाँ पे खड़ा ना रहना पड़े. तो हम वॉक करके पहले फोटोज खिंचा के फिर ड्राइव थ्रू भी करेंगे. ये नीचे से कुछ ऐसे दिखती है पूरी जिगजैग, आपको सिर्फ फ्लावर्स और यही सब दिखाई देगा. तो एंड यहाँ पे यू नो अर्ली मॉर्निंग है, वैसे अभी 7 ही बजे हैं तो इसलिए इतनी यू नो क्राउडेड प्लेस नहीं है अभी. अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है और अराउंड 40 to 45 मिनट्स सिर्फ इस स्ट्रीट पे निकल जाती है. हम अर्ली है तो यू नो 5 मिनट्स में अभी ये स्ट्रीट पूरी ख़त्म हो जाएगी ड्राइव थ्रू आई मीन. तो या दैट्स द बेस्ट पार्ट. अगर आपको यहाँ पे आना है तो अर्ली मॉर्निंग आना, इट्स द बेस्ट कन्वीनियंस. अभी हम मैं आपको ड्राइव थ्रू करके भी दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है. और इसकी जो हम ड्राइव थ्रू करेंगे उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 5 mph. उससे ज़्यादा आप ड्राइव फास्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं पर ऐसे 8 शार्प कर्व्स आते हैं. इसकी वजह से लोग इसको क्रूकेड स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है. ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है सैन फ्रांसिस्को में एंड करीबन यहाँ पे 2 मिलियन लोग आते हैं एवरी ईयर. एंड दैट मीन्स कि 17,000 लोग यहाँ पे एवरी डे के आते हैं. और इसको ध्यान रख के आप सोच सकते हैं कि ये स्ट्रीट कितनी पॉपुलर एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट रहती होगी. और इस स्ट्रीट के दोनों तरफ आप अपार्टमेंट्स या जो हाउसेस है वो देख रहे हो. तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा रेसिडेंसी एरिया है. ये स्ट्रीट रेसिडेंसी के बीच में है. तो यू नो आप सोच सकते हो कि टूरिस्ट प्लेस के यू नो वहाँ पे आपको रहना इट्स योर चॉइस. बट यू नो कभी कभी अनोइंग हो जाता है क्योंकि यू नो कंटिन्यूसली लोग यहाँ पे आते हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस और यू नो लोग आवाज़ भी करते हैं तो यू नो थोड़ी सी प्राइवेसी नहीं रहती होगी. इसकी खास बात ये है कि आपके जो फोटोज़ है ऊपर से लो या फिर नीचे से लो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं. ये फोटोजेनिक प्लेस है कम्प्लीटली गाइस. एंड ऊपर से तो आपको बे ब्रिज जो यहाँ का है वो दिखाई देगा एंड वो आपको ओकलैंड की तरफ लेके जाता है. यू विल फील सूदिंग एंड द एटमोसफियर इज ऑसम गाइस. जस्ट विजिट दिस प्लेस एंड यू गोना रिमेम्बर दिस फॉर एवर. अभी हम आ चुके हैं पैलेस ऑफ आर्ट्स में. हमें ये वाला जो पैलेस है वो मेरी पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा पर इन लोगों ने नहीं देखा. तो टाइम फॉर देम टू सी दिस पैलेस. और मैं आपको ब्रीफली फिर से दिखा देती हूँ अगर आपने जस्ट इन केस मेरी पहली वाली वीडियो में मिस कर दिया हो. तो या और इस वाले पैलेस में माय नेम इज खान की शूटिंग हुई थी, जो नैना वाला सॉन्ग था वो. तो या एंड यहाँ पे वाटर फाउंटेन भी है, डक्स भी है एंड वो वाला जो है वो पैलेस है. तो लेट्स गो इन. अर्ली मॉर्निंग है तो हमें पार्किंग भी बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुकी थी. तो ये अगर आप लोग यहाँ पे ये वाला जो पैलेस है वो विजिट करना चाहते होंगे तो प्लीज़ कम अर्ली सो यू कैन पार्क इजीली एंड बहुत वॉकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप अर्ली आते हो. तो यस इट्स ओनली 8
इसके कूल बात यह है कि ये 1969 से पहले एग्जीबिशन हॉल था और उसके बाद इन लोगों ने एक्सप्लोरेटोरियम बनाया हुआ था स्पेशली फॉर किड्स। ऑल्सो 1970 में इन लोगों ने ये जो पहले से उसमें थिएटर भी बनाया हुआ था उसका नाम दिया हुआ था द पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स थिएटर। एंड फाइनली 2003 में ये डोम बन चुका था एंड ये बनकर पूरा रेडी हो चुका था 2010 में। ये फोटोज के लिए बहुत ही अच्छी जगह है गाइस, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। और ये जो पहले से वो आपको बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाई देगा जैसे कि वर्टिगो, टाइम आफ्टर टाइम, रूम एंड ट्विस्टेड में। आप उधर दूसरी तरफ जाएंगे तो डॉग्स वो सब भी है। दिस वे लेट्स गो, दिस वे या लेट्स गो। And as you can see, the kids are very excited and very enthusiastic to see this place. And हमें यहाँ पे बहुत सारा मज़ा आया और बहुत सारी फोटोज़ भी खिंचवाई और हम निकल चुके हैं अब हमारे अगले लोकेशन में जो कि है मरीन हेडलाइंस, जो कि हमें ये ब्रिज से होके जाना होता है। और ये जो ब्रिज है वो है गोल्डन गेट ब्रिज, यहाँ का SF का पॉपुलर ब्रिज है ये। तो अगर आप आओ तो यू शुड विजिट दिस प्लेस एज वेल। आप यहाँ पे साइड वॉक भी कर सकते हो, यहाँ पे ड्राइव भी कर सकते हो। हम लोगों ने जब पहले आए हुए थे तब हम लोगों ने ऑलरेडी वॉक कर लिया था, तो मैंने वो एक्चुअल में शूट करना रह गया था मेरा, पर मैं आपको ये ड्राइव थ्रू से लेके जा रही हूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि ये ब्रिज कैसा लग रहा है। और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ब्रिज है। तो आप अगर आप आओ तो जस्ट यू नो, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आई एटलीस्ट सजेस्ट कि आप ये यू नो ड्राइव करो गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर से और ये व्यू देखने का अलग ही मज़ा आएगा इस सच में। एंड यहाँ पे फॉगी भी रहता है अर्ली मॉर्निंग में, तो यू नो आपको जैसे लगेगा कि आप बादलों के बीच में से जा रहे हो, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है इस ब्रिज के ऊपर से गुजरने से। तो या गाइस, इट्स द बेस्ट ब्रिज एवर। हाय गाइस, अभी हम आ चुके हैं मरीन हेडलैंड्स पे एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अर्ली आओगे तो पार्किंग हमें बहुत ही यू नो नज़दीकी मिल चुकी है एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट गाइस। सच में पार्किंग इजीली मिलना SF में इज वेरी टफ। तो या वो इट लुक्स ब्यूटीफुल गाइस एंड थोड़ी सी ठंडी है तो हम सब ने यू नो एक लेयर और डाल दी है। तो या और यहाँ से हमें पूरा गोल्डन गेट ब्रिज दिखाई देगा और हम ट्रेल करके वहाँ ऊपर जाने वाले हैं उस तरफ। तो बस यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। हेलो, कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे फॉगी आज बहुत ही ज्यादा है, पर इतना भी नहीं है कि हमें गोल्डन गेट ब्रिज नहीं देखने को मिलेगा। तो देयर यू गो एंड बस ऊपर ही जा रहे हैं बैटरी स्पेंसर पे एंड हमने यहाँ पे मरीन हेडलैंड्स पे कार पार्क की है। तो ये ट्रेलिंग है, थोड़ी सी ट्रेलिंग है, वो आ गया है तो इज नॉट दैट बैड। एंड यहाँ की जो इंटरेस्टिंग बात है और पॉपुलर भी है, बहुत लोगों का सपना होता है कि यू नो वो बाइकिंग करे ये पूरे माउंटेन पे। तो यहाँ पे जो आपको नीचे रोड दिख रहा है गोल्डन गेट ब्रिज से लेकर हम जहाँ पे खड़े हुए ऊपर, तब तक वो लोग यू नो बाइकिंग करके ये पूरा ब्रिज क्रॉस करके यहाँ ऊपर तक आते हैं माउंटेन चढ़ के। एंड दैट इज रियली रियली टफ गाइस एंड आई सल्यूट ऑल ऑफ देम हु डज दैट एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स। गाइस ये जो ग्रीन आपको इन सब दिख रहा है वो आर्मी का है, जो पहले के जमाने में आर्मी के सारे लोग यहाँ पे रहते थे। तो दैट इज फॉर दैट एंड यहाँ से हमें गोल्डन गेट ब्रिज दिखाई दे रहा है और लकीली यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम अच्छे से फोटोज खिंचवा सकते हैं और यहाँ पे फोटो शूट भी स्टार्ट हो गई है। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइस, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस कॉल्ड मरीन हेडलाइंस एंड वहाँ पे आप अगर पार्क करोगे तो आप बैटरी स्पेंसर पे भी इजीली यू नो थोड़ी ही हाइकिंग है, हाइक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। ये पूरा गोल्डन गेट ब्रिज आपको यहाँ से दिखा देगा। और ये मैंने पहले आपको वीडियो में मेरी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें दिखाया था
कि यहाँ पे ये लॉक्स क्यों लोग लगा के जाते हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो एज वेल. ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा मेजमराइजिंग एंड स्टनिंग प्लेस है गाइस. एंड यहाँ की फ़ोटोज़ जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है. एंड या यू शुड विजिट दिस प्लेस एंड हैव फन व्हाइल यू आर हियर. ये बस हम वापस ही जा रहे हैं एंड कार में बैठ के थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर हम हमारी अगली लोकेशन पे जाएंगे. पर उससे जाने से पहले ही मैं ये बता दूं कि अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ डू टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि यहाँ पे फेंस नहीं है साइड वॉक में. एंड आप भी थोड़ा सा ध्यान रख के आए ताकि आप गिर वीर ना जाओ. और या जस्ट बी अलर्ट गाइस एंड बी वेरी केयरफुल गाइस. तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड इसका आगे का पार्ट देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीक तक इंतज़ार करना पड़ेगा. तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. लव यू ऑल. बाय.